कौन कौन बना रहे भाई पिकनिक? आज ये बंदना के लिए डंडा गिफ्ट लेके आया। तो ठीक है, आपके ऊपर बरसेगा फिर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी शाम का है टाइम और आप बोलोगे कि शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे दही नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली दिन में आज बड़ा मन था कि कढ़ी खानी है, लेकिन लस्सी थी नहीं, तो मैंने इनको बोला था मैं क्या दही लेकर के आना, तो ये दिन में भूल गए थे, इसलिए शाम के टाइम पे लेकर के आए और यहाँ पे फिर ये कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे को ना पतली कढ़ी अच्छी लगती है। आपने शायद पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मेरी कढ़ी ना बहुत ही पतली सी होती है और मुझे वैसी ही अच्छी लगती है, थोड़ा पीने में भी और ऐसे अगर चावल के साथ खाने हो तो भी, कढ़ी चावल मतलब जो लस्सी की बनती है ना कढ़ी, वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और दही की मुझे उतनी पसंद है नहीं, बट इसको भी मैंने क्या किया कि इसको जैसे लस्सी होती है ना उसकी तरह पहले बना दूँगी। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये दही जो भी था ये डाल दिया, थोड़ा पानी इसमें ऐड किया, थोड़ा सा इसमें देखिए 1 चम्मच के करीब बेसन ऐड किया, अजवाइन और ये मीठी सौंफ। मीठी सौंफ का फ्लेवर ना बड़ा अच्छा आता है कढ़ी में, आप कभी ट्राई करके देखना। वैसे तो अगर आप गरम गरम ऑयल में इसको डालते हो ना, जैसे जीरा डालते हो और चटकता है तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहीं पर डाल दिया, फिर मैं भूल जाती हूँ और कई बार ये चटक के ना हाथ पर गिरता है गरम गरम तेल पर, तो मुझे कई बारी मतलब जला है मेरा हाथ। और बस फिर मैंने यहीं पे डाल दिया। फिर इसके बाद ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और पानी मैंने खूब डाल दिया, जितना मतलब मेरे को चाहिए कि पतली सी कढ़ी बनानी है उस तरह से। तो अब एक तरह से ये लस्सी ही बन गई इधर, अच्छी तरह से मतलब बीटर की हेल्प से इसको बीट किया मैंने, और मिक्सर जार में क्या बहुत झंझट हो जाएगा तो वैसा नहीं किया मैंने। बाकी फिर ये देखिए मेरा कढ़ी बनाने का तरीका यही है। आज कढ़ी पत्ता नहीं लेकर के आई थी और शाम का टाइम था तो फिर तोड़ना इस टाइम पे अच्छा नहीं होता। मैंने देखिए सरसों का ऑयल डाला और उसके बाद ये लहसुन की थोड़ा, पहले मैंने उसको हाथ से दबाया था ना, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, और हरी मिर्चियाँ, और साथ में फिर ये प्याज अच्छे से भुन गए, तो हल्दी डाली, थोड़ा सा इसमें मसाले डाले सारे हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, मेरे को बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर लस्सी को डाल दिया मैंने, लस्सी में बेसन पहले से ही मिक्स कर दिया था और फिर बहुत ज़बरदस्त कढ़ी बनी थी। हालांकि फिर बाद में मैंने थोड़े से चावल भी बनाए तो उस तरह से, बाकी रोटियाँ भी बनाई और सब्जी भी बनी हुई थी, मिक्स वेज थी। अच्छा, इसके बाद ये मॉर्निंग में आज सुबह सुबह ही हलवा मैंने बनाया, बच्चों का मन था बहुत कि हलवा खाना है और बहुत दिन हो गए थे, जैसे मैं पहले भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ना कि मेरे बच्चों को हलवा खाना अच्छा लगता है, तो बस ये सुबह सुबह ही आज मैं इनके लिए हलवा तैयार कर रही थी। फिर इसके अलावा ये ब्रेकफास्ट के लिए ही आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, मैं मटर छील रही थी और पतिदेव लगा रहे थे तड़का, उनको ना चूल्हे पे रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता, एक तो मतलब हमारा जो चूल्हा होता है ना चिमनी वाला, तो बंद जैसा होता है, एक डिब्बे की तरह ना, तो सामने से ही मतलब हाथ से कड़छी चलानी होती है, तो मतलब लगता है, गर्म लगता है हाथों में ना, और कई बार मेरे तो हाथ जलते भी हैं, बट मुझे अच्छा लगता है फिर भी चूल्हे पे खाना बनाना, लेकिन इनको बुरा लगता है इसलिए ज़्यादातर गैस पे ही बनाते हैं। कई बार क्या करते हैं हम लोग ना कि तड़का बना देते हैं गैस पे और फिर प्लेस कर देते हैं चूल्हे पे, पर ये वाला जो कुकर है ना तो इसको नहीं हमने यूज़ किया है ना नीचे, तो फिर इसको नहीं चढ़ाएंगे, यहीं पे फिर बनाया। तो आलू को पहले ऑयल के साथ पकने दिया अच्छे से, फिर मटर वगैरह सारा मसाला सब कुछ डाल दिया और फिर ग्राइंड करके ये टमाटर डाले। बना रहे हैं पिकनिक, बना रहे हैं परौंठे, बना रहे हैं आलू के। कौन कौन बना रहा है भाई पिकनिक? कौन? आप तभी है बनाने परौंठे? तुम भी बनाओगे? आते हैं बनाने। कैसे कैसे बनाओगे? मेरे को नहीं पता, मेरी बहन को पता है। कहाँ पे है शानवी? वो सामग्री लेने के लिए। क्या लेने के लिए? सामग्री आलू के अंदर डलती है। अच्छा, ये देखो अभी धूप लगी है, पर इतनी तेज वाली धूप नहीं है और मतलब ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, बर्फीली हवा चली हुई है। ये देखो सामने पता नहीं बर्फबारी हो रही है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तभी ठंडी ठंडी हवा चलती है। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? ये इनको ये कर रहे हैं पढ़ाई।
टैब लिया हुआ है और लगे हुए हैं पढ़ाई, जब कॉलेज टाइम में इन्होंने पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई लगी हुई है। और ये मेरी बेटी है, आज ये देखो आलू के परौंठे बना रही है। आलू के नहीं, हमने पार्टी मतलब कि पिकनिक एक तरह की आलू के परौंठे बना रहे हैं और चाय साथ में गर्मा गर्म। वो अब क्या बोलूं मैं, देख लिए। और मैडम कैसे हो मैम? थोड़ा थोड़ा मतलब कि इतना भी मत पढ़ा करो कि आप कहीं टॉप ना कर जाओ, फिर टॉप कर करके टॉप कर लिए तो फिर मेरा क्या होगा, है ना? मैं तो रह जाऊंगा फिर यार। जरूरी होती है ना, एक्चुअली है लर्निंग बहुत जरूरी होती है, ऐसे नहीं होती जॉब में, जॉब करने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत होती है। क्या बात है, आप लोग ही जान सकते हैं यार, है ना? बड़े लोग बड़ी बातें, है ना? ठीक है मैडम, ठीक है। धूप आज तेज वाली नहीं थी, कपड़े डाले सुखाने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी धूप है, बट ना ठंडी ठंडी हवा चली हुई है जिसकी वजह से बाहर बैठा नहीं जा रहा था, ठंडी लग रही थी और सिर में तो दर्द हो रही थी, तो रजाई में बैठ के मैं आज अपना काम जो भी था पेंडिंग वो कर रही थी। इसके अलावा बच्चों को आज पता नहीं कहाँ से क्या सूझ रहा था कि हमें पिकनिक बनानी है, तो बस सारे आपस में लगे हुए थे, मैं भी इनको ज़्यादा देख नहीं रही थी क्योंकि वो भी होती है नीचे ना, तो बीच बीच में वो देख रहे होने इनको कि भी हाँ कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो जैसे ना एक दिन शानू की पिकनिक गई थी स्कूल से, तो उन्होंने भी वैसे ही कुकिंग करी थी ना कहीं बाहर जा कर के लकड़ियों पे, तो वही चीज़ ये यहाँ पे भी कर रही थी। और ये सारे बच्चे इकट्ठा होकर के इन्होंने आलू के परांठे बनाए, बहुत अच्छे बनाए, जैसे आप देख ही रहे हो अच्छे बने थे। पिकनिक पिकनिक में पता नहीं क्या क्या बनाया है इन्होंने, बनाते हैं। मैगी बनाने जा रही हूँ बस, अभी कढ़ाई चढ़ा दी ना इधर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं ये बंदना ने यहाँ पे पिकनिक बना रही है, देखो कढ़ाई इसने चढ़ा दी है चूल्हे में और बस मैगी लेने जा रही है ये, ठीक है। तो पानी तो डाल इसके अंदर, और ये देखो मज़े हैं यार इसके, पिकनिक भी चल रही है और अभी पूरा दिन इसने पढ़ाई भी की और अब लग गई है पिकनिक बनाने। मैमी मैमी आओ नीचे, आओगी नहीं आओ? क्यों भाई? मैगी तो इसके लिए बन रही थी, क्या नाम इसका, अंजलि के लिए, आज अंजलि मैगी खानी है। अभी कोई मैगी खाई जाती है? और क्या, वो शानू भी टुका है दोनों, वो मैगी खा बना के चले गए, परांठे से लेकर के मैगी खाई बनाए उन्होंने और चले गए, मैगी नहीं बनी परांठे। ठीक है ठीक है, फोन की तरह। हाँ हाँ हाँ, होगी ये बात। ये देखो तोड़ रहे हैं इसको, काट रहे हैं लकड़ी से, हमने लाए नीचे से, उसके बाद अब थोड़ा आन हो रहा है इसका, तो वही है ना थोड़ा मोटापा कम हो जाएगा। हाँ देखो मोटापा, बात कैसे बोलते हो, मोटापा कम हो जाएगा। अरे गसवा इतना जोर लाता रहा है, यहाँ करी करी रखे से, ऐसे नहीं होता, दिखा मैं मारता हूँ ये देख, हट साहब तटू की तरह पकड़, दे मेरे पास दे, हट ले पकड़े से, पकड़ पकड़े पकड़, ये देखो बिल्कुल देखते हैं क्या, ये देख इसको ऐसे रखते हैं ना, हट सर सर सर, उन्होंने भी जूम आई गया, ये देखो ये, चलो चलो सबसे बड़ी है ये। तो फिर कहाँ लग रही है यहाँ पर दराने भैया, वो लेंदे कितने दूर थे, प्यास लगी थी मेरे को इतनी जोरों की ना, अभी भी लगी हुई है, पर मैं क्या पहले कर लेती हूँ मैं अपना काम ना, रहने दो इसको, रख दो उधर, फिर मैं क्या उसके बाद ही पीऊंगी पानी ऊपर पहुँच के। लेकिन ये जनाब बेड से नहीं ले ना, सोए हुए थे तो मैंने आज ये बंधना के लिए डंडा गिफ्ट लेके आया, तो ठीक है आपके ऊपर बरसेगा फिर। और ये इस अगर ये पड़ गया ना, रखो इसको इधर, वो देखो ब्लैनअप ब्रोठू बनाने में, ये अगर ये पड़ अरे गया जल्दी करो, ऐसे करके सीधा है, थक गई मैं, वो देखो नीचे से घसीटे हमने, ये देखो वो नीचे से लाए ना, ये सब ये टूटने वाला है, ये घसीट घसीट के, वो तो मेरे साथ ये होती है, नहीं तो मैं तो नहीं जा सकती दीदी तेरी। हाँ जी हाँ जी, रखो रखो जल्दी, अरे इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी छोटे करो इनको। और ओ यार भाई मैं तो जल्दी जल्दी आ गया ना, पता क्या मैं सब्जी लिया ना यहाँ पे, और लैपट होता है ना हमारी भाषा में उसको, मेरे घुसने तेंद हुआ यार, वो आवाज वो कर रहा है, कल भी ये बोल रही थी नीचे ना कि वाला पार लाख के वाले साइड गुरकड़े लग रहा था, जोर जोर से आवाज आ रही है उसकी, मैं तो उसकी स्मेल भी आ रही है ना, मैंने कहा यार इससे बढ़िया मैंने बाइक लगाई वहां पे ना, मैंने मना किया कितनी बार आपको कि इस टाइम पे मत जाओ, आज तो स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है यार। अरे हो अच्छा, पर ये तो करो आज तो नहीं रहे नहीं रहा, तो फिर मैंने पहले बोला था, एक तो ऐसा होता है ना टाइमली जाना चाहिए ना, वैसे यार पता क्या संडे को शॉप पे बंद रहते सब्जी की भी, क्योंकि सब्जी तो आती नहीं है, मतलब वैसे उसकी ना कंप्लेंट देनी चाहिए वन विभाग में ना, पर उन्होंने भी क्या करना,
तो वो ही नहीं यार, तो आते रहते हैं ना। कर्मा पुलिस स्टेशन के आगे वो जंगल है, सामने वो उधर उस बंदे ही बोल रहे थे कि हाँ भी मतलब कि धाड़ रहा जोर जोर से। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसके मतलब बच्चे बुच्चे घूम गए हैं या कुछ, तब वो ऐसे घूम रहा है क्योंकि इस एरिया में बहुत टाइम हो गया उसको। हाँ यार उस दिन भी मैं आपको पहले बोल रहा था, उसने बैल को वो है, बैल के बाद फिर कुत्ता है था, फिर वो कुत्ता था उसको ना क्या नाम, मुझे लगता है कि खून लग गया है उसको ना, तो पता नहीं इसलिए रात को ऐसे निकलने नहीं चाहिए। मैं तो सब्जी लिया, फटाफट सब्जी थी नहीं, फिर मैं फ्रूट वगैरह गाजर कुछ लिया। मैंने बोला था तो आपको दाल बना लेते हैं और कुछ नहीं है। भी आज दिन में भी हमने आलू मटर बनाए थे। हाँ तो ना भी इच्छा ही नहीं रात को खाने की, वैसे भी ना थोड़ा सा पेट खराब हो गया है, तो इसलिए थोड़ा लाइट सा खाना, गर्मी हो मत निकला करो इस टाइम पे ना, और ये बच्चे भी खेलने चले जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शांति को पकड़ा, मैंने उसको बोला था रात को मत जा, ये तो बच गई मेरे हाथ से। नहीं ये तो आगे थे पर थोड़ा सब्जी लेने जा रहा था, कोई पता नहीं नीचे जंगल ही किसी पकड़ा और पता नहीं चले। रियल हाँ नहीं नहीं ये तो बच्चे 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 क्या बड़े क्या खुशी कुछ छोड़ता हूँ। हाँ तो पर ये बात नहीं मानते किसी की ना ये। चलो तो चलो आ जाओ अंदर, मैं करो गेट को कर दो बंद, गेट को बंद कर दो ना भैया, डर लग रहा है। मैं लेके चलती हूँ ये सब्जी ना, कोई भरोसा नहीं है, टाइमली कर देना चाहिए वैसे भी अपना घर बंद ना, बेटर रहता है। चलो चलो तो हमारे यहाँ तो चला है टेंशन का माहौल, और बाकी बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। नमस्कार।